सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका पेपर होता है, ये प्रथम पेपर होता है जो कि 50 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और इसके पहले हमने पार्ट वन यानी राजन सीरीज का पार्ट वन 22 क्वेश्चन डिस्कस किया था, बहुविकल्पीय प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट यानी इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं वो जुड़ सके और जो अपनी तैयारी है वो कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ या छ प क या छ त्र श या छ त्र स। देखिए, आरंभिक स्तर पर जो है ज़्यादातर इसमें शुरुआत में हिंदी ही है। यहाँ पर जो आप सभी के सामने शो हो रहा है कि संयुक्त व्यंजन है, यानी छ क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है, त्र क्या है ये भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ क्या है ये भी संयुक्त व्यंजन है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन है छ त्र ज्ञ। छ प क में आप देख सकते हो प और क नहीं है। छ त्र श में अगर हम देखें तो यहाँ पे खटकोर वाला श नहीं है। छ त्र यहाँ पे छतरी वाला छ नहीं है। तो इस तरीके से ये तीनों गलत हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, छ त्र ज्ञ। अगला 24 प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन छ बनता है क हलंत प्लस श से, क हलंत प्लस अ क प्लस य से, क प्लस छ से, छ प्लस अ से। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो छ का निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर क हलंत प्लस श को मिलाकर पूरे छ वर्ड का निर्माण होता है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला जो आपका प्रश्न है, त हलंत प्लस र के मिलने से बनता है त्र तर तर त्र छ री। तो फ्रेंड, त हलंत प्लस र के मिलने से बनता है यहाँ पे त्र। अगला जो प्रश्न है कि चंद्रमा फंदा अंत में है, अनुस्वार अनुनासिक स्वर व्यंजन। तो चंद्रमा फंदा अंत में है क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम जब चंद्रमा लिखते हैं फंदा लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो जैसे चंद्रमा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे बिंदी देकर, ठीक है। फंदा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जहाँ पे बिंदी रहता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक यानी जो नाक से, यानी जैसे न है, म है, ण है, ये सभी क्या है, अनुनासिक। यहाँ पे अनुस्वार यानी जो बिंदी होता है, ठीक है। अंत भी हम लिखेंगे तो बीच में, यहाँ पे अंत तो हम ऊपर बिंदी दे देंगे, तो यहाँ पे जो बिंदी होगा, चंद्र बिंदु होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 प्रश्न है, कई वाक्यों का समूह कहलाता है उच्चारण अर्थ अनुच्छेद शब्द। तो कई वाक्यों का समूह कहलाता है, ठीक है। जब कई वाक्य के समूह होते हैं, जैसे कि कई जब शब्द मिलते हैं तो हमारा वाक्य बनता है, यानी जब अक्षर मिलते हैं तो शब्द बनता है, शब्द मिलते हैं तो वाक्य मिलता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है जब कई वाक्य मिलते हैं उस समूह को क्या बोलते हैं, उच्चारण तो बोलेंगे नहीं, अर्थ तो बोलेंगे नहीं, शब्द नहीं, लेकिन अनुच्छेद आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। कई वाक्यों का समूह कहलाता है अनुच्छेद यानी आर्टिकल। अगला जो प्रश्न है, सबसे प्राचीन भाषा है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू। तो सबसे प्राचीन भाषा है कौन सा, तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी जो संस्कृत है सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 29 कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो। यहाँ पर अगर हम शुद्ध वाक्य की बात करें, तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तुम मुझ पर नाराज हो, तुम मुझसे नाराज हो। तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य की अगर हम बात करें तो तुम हमसे नाराज हो या तुम मुझ पे, तो हम ये चारों वाक्य बोल ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो ये है कि तुम मुझ पर नाराज हो, ठीक है, तुम मुझ पर नाराज हो। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। अगला 30 प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, तुम चलो मेरे को आता है, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो हम आते हैं।
तुम चलो, मैं आया रहा हूँ। तो फर्स्ट एंड डी तो होगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो तुम चलो मेरे को आता है, नॉट गुड। तुम चलो मैं आया रहा हूँ, ये भी नहीं हुआ। दो ही है, एक तो तुम चलो मैं आता हूँ और तुम चलो हम आते हैं। तुम चलो हम आते हैं या तुम चलो मैं आता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति जा रहा है और बहुत सारे अभी व्यक्ति है, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति बोलेगा कि तुम चलो हम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं या हम आते हैं, तो ये भी सही। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जो फिट रहेगा तुम चलो मैं आता हूँ, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 31 प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राजन का आदत बड़ा खराब है, राजन की आदत बड़ी खराब है, राजन को आदत खराब है, राजन की आदत बड़ा खराब है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, राजन की आदत बड़ी खराब है। यहाँ पे हम इस तरीके से थोड़ी ना बोलते हैं राजन का आदत बड़ा खराब है, ये जो आपका है करेक्ट है, राजन की आदत बड़ी खराब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 प्रश्न है कि कृषि, गृह, पृथ्वी के पहले वर्ड में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है। तो कृषि, गृह, पृथ्वी के पहले वर्ड में, ठीक है, आपका पहला वर्ड क है, इस वर्ड में जो पहला वर्ड है वो ग है, इसमें प है। तो यहाँ पे पूछा है कि इन पहले वर्ड में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है, यानी स्वर मात्रा क्या अ लगा है या त्र लगा है या री या या। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा है, क्री यानी री, ग्री यानी री, प्री यानी री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कृषि, गृह, पृथ्वी के पहले वर्ड में री स्वर मात्रा के रूप में लगा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि आत्म उत्सर्ग लगाने से बनेगा आत्मसम्मान, यहाँ पे उपसर्ग होगा, ठीक है, आत्म उपसर्ग लगाने से बनेगा आत्मसम्मान, आत्मसाक्षात्कार। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, सम्मान, साक्षात्कार, इसमें हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे कुछ अलग डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सम्मान है, तो हम बोलते हैं कि हमारा सम्मान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार है, यानी आप कह सकते हो कि यहाँ इसका कुछ अलग अर्थ होता है, ठीक है, इंटरव्यू। तो इस तरीके से अगर हम इसमें आत्म जोड़ते हैं तो आत्म साक्षात्कार इसका अलग हो जाएगा, आत्मसम्मान, ठीक है। तो यहाँ पर यानी हम उपसर्ग जोड़ के और उसका कुछ नवीन अर्थ लाते हैं, इसलिए यहाँ पर अ दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में ही आत्म उपसर्ग लगा है। अगला आपका प्रश्न भी है, निपात, क्रिया और तथा व दोनों विशेषण। तो भी है यहाँ पे क्या है, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे भी जो है वो निपात है। अब चलिए जल्दी से आप सभी आंसर देने के लिए स्टार्ट हो जाइए, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन है छत्र ज्ञ छ प क छत्र श छत्र श। तो संयुक्त व्यंजन है, देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, छत्र ज्ञ। 24 प्रश्न, संयुक्त व्यंजन छ बनता है क हलंत प्लस श से, क प्लस य से, क छ से, छ प्लस य से। तो संयुक्त व्यंजन छ बनता है, बिल्कुल सही, क हलंत प्लस श से मिलकर बनता है। 25 प्रश्न है कि त हलंत प्लस र के मिलने से बनता है त्र त्र छ री। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें, बहुत इजी है, तो हलंत प्लस र के मिलने से बनता है यहाँ पे त्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 26 प्रश्न, चंद्रमा फंदा अंत में है अनुस्वार अनुनासिक स्वर व्यंजन, बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, अनुस्वार। अगला जो प्रश्न है, कई वाक्यों का समूह कहलाता है उच्चारण अर्थ अनुच्छेद शब्द। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, कई वाक्यों का समूह कहलाता है क्या, तो अनुच्छेद। सबसे प्राचीन भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो सी यानी संस्कृत। 29 प्रश्न की निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, तुम मुझ पर नाराज हो। 30 प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें, तुम चलो मेरे को आता है, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो हम आते हैं, तुम चलो मैं आया रहा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा तुम चलो मैं आता हूँ, यानी ऑप्शन नंबर बी। 31 प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करें। राजन का आदत बड़ा खराब है, राजन की आदत बड़ी खराब है, राजन को आदत खराब है, राजन की आदत बड़ा खराब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राजन की आदत बड़ी खराब है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32 प्रश्न है कृषि गृह पृथ्वी के पहले वर्ड में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है। अ री त्र ज्ञ, होगा नहीं त्र होगा नहीं ज्ञ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए की बजता है री। 33 प्रश्न है आत्म उपसर्ग लगाने से बनेगा आत्मसम्मान आत्म सत्कार और तथा वह दोनों कोई नहीं, बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है भी है निपात क्रिया और तथा वह दोनों विशेषण, तो भी है यहाँ पे निपात। तो फ्रेंड्स ये जितने भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए आप सभी को बहुत ही आसानी साथ याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं आप पूरा वीडियो देखें ताकि जो आपके प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।